नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलती हूँ, एक बढ़िया सी रेसिपी आप सबको बना के दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं बनाना शुरू करती हूँ। ये हमने सिंगाड़ा लिया है, तो ये करीब आधा किलो सिंगाड़ा है। तो नजदीक से दिखाओ चंदन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये तालाब से निकाला हुआ सिंगाड़ा है, तो वहाँ मैं आप सबको नहीं दिखा पाई। दोस्तों, अभी ये सिंगाड़ा पका नहीं है वैसे, तो तालाब से कल निकाला जा रहा था, तो वहाँ से हम खरीद के लाए थे। और दोस्तों, वहाँ का वीडियो बनाने के लिए अलाउ नहीं था, क्योंकि वहाँ कई लोग थे। तो वीडियो में गाँव के लोग ऐसे होते हैं कि गाँव के लोग वीडियो में आना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, हम वहाँ का आप सबको लोकेशन नहीं दिखा पाए। दोस्तों, हमने गैस जला दिया है और रख रही हूँ ये सिंगाड़े को उबलने के लिए, और पतीली में रख दिए हूँ। तो दोस्तों, अब गैस पे बनाएंगे खाना, और हमारी माँ ने जो दिए थे पैसा, मैं उसी से गैस भरा ली हूँ। दोस्तों, जब तक सिंगाड़ा उबल रहा है, तब तक हम ये तड़के के लिए काट लेती हूँ। मिर्चा, हरा मिर्च लिए हैं, और ये वह है लहसुन, तो काट लेते हैं, और प्याज को भी काटेंगे। तो हम हरा मिर्च और लहसुन को काट लिया है, और प्याज को काट लेती हूँ। तो दोस्तों, सिंगाड़े को चेक कर लेते हैं, नजदीक से दिखाओ थोड़ा। अभी सिंगाड़ा नहीं उबला हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर हम इसको ढक देते हैं, तो 10 मिनट तक करीब पकाना पड़ेगा। दोस्तों, अंजलि आ चुकी है। आज अंजलि थोड़ा नाराज है, तो आज घूम रही थी। मत रहो अंजलि। तो दोस्तों, आज काफी नाराज है अंजलि, और रो रही है। मैं इनका हाथ लगा दे रही हूँ मुंह के पास। तो चंदन रुको। तो दोस्तों, काफी ये नाराज है और रो भी रही है। तो ये अपने बाल को बंधाना चाहती थी, तो हम बांध नहीं पाए, इसीलिए ये नाराज हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बिना कंघी के, और वैसे अंजलि का बाल बांध रहे हैं, तो आज ये चुरकी बना रही है अंजलि। तो ये काफी नाराज थी, तो बाल बंध गया। अब तो नमस्ते हाय टाटा कर दो। तो हमने बांध दिए हैं, अब अंजलि शांत हो गई है। हाय कर दो, टाटा कर दो। तो दोस्तों, सिंगाड़ा हमारा उबल चुका है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये काफी जल रहा है, इसीलिए ये तसले में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको ठंडा करना पड़ेगा। तो हम तसले में रख रही हूँ। अच्छी तरह से उबल चुका है, और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा पानी, ताकि ठंडा हो जाए, और इसको छील लेते हैं। तो दोस्तों, हम सिंगाड़े को छील लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम छील ले रहे हैं, और काफी ये जल भी रहा है। गुंजन जल गई हाथ उसका, तो संभाल के निकालो गुंजन। तो ये टूट भी जा रहा है। तो दोस्तों, हम सिंगाड़े को इसी तरह हम छील लेते हैं। तो दोस्तों, अंजलि भी निकलवा रही है, ये छिला रही है सिंगाड़े को। तो दोस्तों, बहुत थोड़ा सा ये सिंगाड़ा का ये जो था निकला हुआ है, और सारा इसमें जो था छिलका निकल गया है दोस्तों, और बोलने में मिस्टेक हो गई थी, तो इसके लिए माफ करना दोस्तों। और चल रही हूँ मैं, इसको थोड़ा सा है आप सबको बना के दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये सिंगाड़ा फ्राई बनाएंगे, और बहुत अच्छा बनता है, और आप सब कभी आप अपने घर पे बना के खाना, बहुत अच्छा बनेगा। तो हम काट लेते हैं सिंगाड़ी को। तो हम इसमें डाल दे रही हूँ तड़के को, जो काट के रखा था, और सरसों का तेल इसमें डाले हैं दोस्तों। तो बहुत कम ये सिंगाड़ा निकला हुआ, क्या करें, कच्चा था, तो इसीलिए बहुत कम निकला हुआ है। तो आप इसके लिए
ये भी कहेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, तड़का अभी हमारा भून चुका है। तो ये जो हम सिंगाड़ा रखे हैं, अब इसमें हम डाल देते हैं। तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से बनके तैयार होने वाला रेसिपी है दोस्तों। और आप इसको सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन हम सब्जी नहीं बनाएंगे, वैसे ही खाया जाता है। इसमें हल्का नमक और हल्का ही मसाला मिलाना है। और आप इसमें टमाटर की चटनी या खटाई की चटनी भी डाल के खा सकते हैं, और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो हम थोड़ा इसको तेल में फ्राई करेंगे और मसाला अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। तो इसे हमें चलाते रहना है। तो नजदीक से दिखाओ चंदन, आप देख सकते हैं दोस्तों, हम इसको चला देंगे। तो दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो जितना सिंगाड़े के अनुसार नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसमें हल्का ही मसाला डालेंगे दोस्तों। और हमने चटनी नहीं बनाया दोस्तों, आप बना के खा सकते हैं। टमाटर के चटनी के साथ भी खा सकते हैं, और खटाई के चटनी के भी साथ ये खा सकते हैं। और आज हमारे पास टमाटर नहीं था, तो इसीलिए हमने चटनी नहीं बनाया, और ना ही खटाई भी है। तो आप बना के खाना एक बार जरूर। तो दोस्तों, सिंगाड़ा का फ्राई बना के तैयार कर दी हूँ। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं। कढ़ाई को हम उतार लेते हैं, और ये हम दे देते हैं इन लोग को खाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा है। तो चंदन को भी दे देते हैं और गुंजन को भी दे देते हैं। तो दोस्तों, अंजलि खाने जा रही है। अब नमस्ते कर दो, टाटा कर दो। अब तो खा, अच्छा चलो चलो, रहने दो। नमस्ते, हाय करो, हाय कर दो एक बार। अब खाने का हो गया टाइम, तब ये खुश हो गई दोस्तों। और अभी नाराज थी, तो इसी के लिए नाराज थी, यही बनाना चाहती थी, तभी रो रही थी। तो नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों आप सब भी आकर खा लीजिए। तो चंदन आप सबको बुला रहा है। अंजलि क्या करने जा रही हो? तो अंजलि ने दोस्तों आज कपड़े कहीं ऐसे मैं पहना के इसको भेजी, और उसने फाड़ दिया कहीं जाकर। तो तैयार कर दिया था वीडियो में, और आ भी रहा है। तो अंजलि, कपड़ा कैसे फट गए? आज कैसे फाड़ दी हो? कैसे फटा है? खाओ, अच्छा खाओ। हाँ, इसे कह लियो। तो बोल रही है ऐसे कैली थे। तो अंजलि खाओ, कैसे बना है? तो चंदन कैसे बना है? बहुत अच्छा। तो चंदन बहुत अच्छा बता रहे हैं। अंजलि आज चम्मच से खा रही है। मिर्चा कहाँ डाली है? मिर्चा बोल रही है दोस्तों कि मिर्चा कहाँ डाले हो? तो अंजलि, मिर्चा पड़ता है इसमें ऐसे। अच्छा, मिर्चा वो फेंक रही है निकाल निकाल के। तो गुंजन कैसे है? अच्छा बना है। अच्छा बना है। तो गुंजन तेज से बोलो, अच्छा बना है। तो चंदन बुला रहा है गुंजन को। अंजलि कैसे बना है? अंजलि, तो दोस्तों हम खा चुके हैं। तो चंदन खा चुके हैं। तो दोस्तों, आप जितने हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, और पुराने भी हैं, और जितने लाइक करते हैं भैया और दीदी, तो सबको तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आप सबसे एक बात बताना चाहती हूँ। एक भैया है, उनका नाम मैं ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कल दिखाऊंगी, उनका नाम भी बताऊंगी। और भैया ने कुछ हमारा मतलब मदद किए हैं, और बच्चों के लिए दीपावली के शुभ अवसर पर बोले हैं कि बच्चों के लिए मिठाई लाना संगीता, और बच्चों को कपड़ा लेना। तो मैं कल वाले वीडियो में आप सबको दिखाऊंगी। तो क्योंकि अभी हमने अकाउंट चेक नहीं किया है, और ना ही हमें पता है, इसमें मैसेज भी नहीं आता।
तो जब पैसा कहीं से मतलब वैसे कहीं से आता भी नहीं था, तो हमने मोबाइल नंबर नहीं लगाया था उसमें, तो अब जल्द से जल्द लगवा देंगे, तो हमें जाकर चेक करना पड़ेगा। अगर आया होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी और उस भैया का नाम भी बताऊंगी। तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आया है और तो सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक हमें हमारे काम करने का मनोबल बढ़ाता है, तो आशा करती हूँ आप सब लाइक ज़रूर करोगे। और दोस्तों, अगर कोई गलती हो जाता है हमसे तो क्षमा करना इसके लिए। तो अभी अभी हम जल्द से करीब 5-4 महीना हुआ है यूट्यूब पर आए हुए, तो हमसे हो सकता है हम कई बातें कई ये सब बारे में ना जान पाए उतना, ना समझ हो, तो गलती भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, बच्चों से भी हो सकता है। और एक भैया, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, दीदी हैं या भैया, वो पूछे हैं क्या संगीता जी यूट्यूब से अब कुछ अर्निंग हो रहा है, यूट्यूब से पैसा आ रहा है? तो ऐसा कोई बात नहीं है भैया, अभी जल्द जल्द में हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है, अगर आएगा तो हम छुपाएंगे नहीं, हम ज़रूर आप सबको बताएंगे। तो नहीं आया है, तो दोस्तों मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।